मतलब मैं खड़ा भी नहीं रह सकता था, और यहाँ आने के बाद तो मुझे बहुत अच्छा, मतलब समझो मैं तो स्वर्ग में आ गया, भगवान के पास आ गया। जो 9 साल से तकलीफ में मैं थी, लेकिन यहाँ की आने की वजह से कभी एक बार भी मेरा सिर दर्द में तकलीफ नहीं हुई। कमर से रह गई थी, बिल्कुल हिल रही थी कमर, पूरा बैलेंस खराब हो चुका था, और यहाँ आने के 3 दिन में मुझे सही कर दिया बिल्कुल। मेरा कमर का दर्द 100% एकदम बराबर हो गया। इसमें कोई मेडिसिन नहीं है, ओनली आपको फिजियोथेरेपी दी जाती है, ऑस्टियोपैथ दिया जाता है, तो ये बहुत अच्छी है। तो आप भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है, लेकिन लंबा टाइम से भारत से लुप्त होगी, कटे बिना 1,00,000 रुपया खर्च करना पड़े और कटे 100 रुपया में ठीक हो जाए। देश का पहला अनूठा गुरुकुल, जहां पर है सभी तरह के शिक्षण सुविधाओं के साथ साथ घर जैसा माहौल। स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान समूह, जहां है स्कूल प्लस हॉस्टल प्लस कोचिंग प्लस स्पोर्ट्स एकेडमी, यानी कि आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास का पूरा इंतजाम। फॉर एडमिशन कॉल और विजिट NH52 सीकर राजस्थान। राम राम जी, मैं खुशबू झल को राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहुंच गई हूँ जोधपुर के अंदर, और जो जोधपुर सिटी है बीजाई में हूँ। पहले तो मैं बताऊंगी कि जितना भी लेडीज़ और जेंट्स यो वीडियो देखना है, यो शेयर करना है, यो मैं मेरे लिए वीडियो कौन बना रही हूँ, केवल थारे लिए वीडियो बना रही हूँ। और जो लेडीज़ और जेंट्स कमर का दर्द हूँ, हाथ पैर आपके सिर का दर्द हूँ, कई का दर्द है कि बाकी वजहों में कि जितना भी परेशान है, ये दर्द की वजह खास करके लेडीज़ हैं, कमर के दर्द हूँ, इतनी परेशान है कि दूसरा को तो काम करना छोड़ो, खुद को काम भी कर को नहीं सके ही। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी वीडियो थे अंत तक देखोगा और शेयर करोगा, अड़े जो लोग आ रहे हैं, पेशेंट आ रहे हैं, बाहू बातचीत करा और बाको एक्सपीरियंस ला कि भाई अभी फिलहाल बाके कितनों के आराम है, वो आ रहे हैं कितनी बार बा आ चुके हैं, कितना दिन मैंने आता होगी। मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ। आपको क्या दिक्कत थी और आज क्या है? मुझे स्लिप डिस्क थी L4 L5 में, मुझे डिस्क मेरा जो है वो बाहर निकल गया था और मेरी नब्ज दब गई थी, मुझे चलना भी नहीं आता था, मतलब मैं खड़ा भी नहीं रह सकता था, और बहुत दिक्कत थी, चलने में भी दिक्कत थी, बहुत परेशानी थी। तो फिर आप कब आए, कैसे आपको पता लगा और आज आपकी क्या स्थिति है? नहीं, मेरी दिक्कत तो पिछले 6 साल से है, 6 साल से तो मेरी जिंदगी बहुत खराब थी, लेकिन मैं मधुकर भावे जी की पोस्ट पढ़ी, वो हमारे महाराष्ट्र के पत्रकार है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, तो उसके रेफरेंस से फिर मैं यहाँ आया, और यहाँ आने के बाद तो मुझे बहुत अच्छा, मतलब समझो मैं तो स्वर्ग में आ गया, भगवान के पास आ गया। मैं भी औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ। आप अपने बारे में बताइए कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम थी, कैसे आप ठीक हुए, कब यहाँ आए और आने के बाद में कैसा आपको लगा? अच्छा, मुझे माइग्रेन का अटैक आता था, 9 साल से मैं तकलीफ में थी, और इसकी वजह से मैं ड्यूटी भी ठीक से कर नहीं पा रही थी, और ये अभी जो है दिसंबर लास्ट वीक में जब हम आए थे, तब से लेकर आज तक माइग्रेन का एक भी अटैक मुझे आया नहीं। जो 9 साल से तकलीफ में मैं थी, लेकिन यहाँ की आने की वजह से कभी एक बार भी मेरा सिर दर्द में तकलीफ नहीं हुई। अभी बहुत 90% मुझे अच्छा लग रहा है। पुणे से आए, महाराष्ट्र से, मेरे मिसेस को घुटनों में दर्द है, 10-12 साल से दर्द है, पुणे में और बॉम्बे में सब डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए ही कहा, उसके सिवा कोई इलाज ही नहीं बताया, लेकिन मुझे यहाँ का एक ने एड्रेस दिया, मेरे मित्र ने, जब मैं यहाँ पे आया तो पहले दिन ही मुझे डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि आपका अच्छा हो जाएगा करके, लेकिन आपका पुराना दर्द है इसलिए थोड़ा आपको आना पड़ेगा 2-4 बार पुणे से। अभी मैं 2nd बार आया हूँ। हम करौली ज़िले से आए हुए हैं और हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मैं किसी ने बताया, मैं पहली बार आई थी 4 साल पहले, तब क्या प्रॉब्लम आपको? कमर से रह गई थी, बिल्कुल हिल रही थी कमर, पूरा बैलेंस खराब हो चुका था, और यहाँ आने के 3 दिन में मुझे सही कर दिया बिल्कुल, और मैं 3 दिन के अंदर 3 किलोमीटर चल पाई एक साथ। और कभी आपने सोचा था कि मैं 3 किलोमीटर चलूँगी? नहीं, मैंने ये नहीं सोचा था बिल्कुल ही, 2-2, 3-3 आदमी पकड़ के लाते थे मुझे, चलने की वो नहीं थी मेरी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, मैं 5 महीने पहले आया था, मेरा स्लिप डिस्क थी L4 L5 L5 S1, तो मैं हमारे इधर हमारे ज़िले में बहुत उपचार किया हमने, मगर उधर ऑपरेट सब डॉक्टर की सलाह थी ऑपरेट करना पड़ेगा, और ऑपरेट का खर्चा बोला था 2-2.5 लाख रुपये, और वो भी 90% आपकी गारंटी नहीं है। फिर मुझे यहाँ का एड्रेस मिला, मैंने यूट्यूब सर्च किया, यहाँ का एड्रेस मिला, मैं 9वें महीने में यहाँ आया था, स्लिप मेरे को 4th दिन यहाँ एकदम रिलीफ मिला, 70% रिलीफ मिला, और मैं यहाँ 5 दिन रहा,
5 दिन के बाद में मेरा कमर का दर्द 100% एकदम बराबर हो गया। फिर मैं आज दोबारा मेरे जिले में के 10-15 लोग यहाँ कमर लेके आ गया, तो वो 10-15 लोग कोई स्लिप डिस्क है, कोई हिप जॉइंट है, सबको अभी तीसरा दिन चल रहा। तीसरे दिन में थोड़ा थोड़ा 10-20%, 40% ऐसा सब पेशेंट को रिलीफ मिल रहा। एवियन का पेशेंट हो और मैं पहले दिन जब आया था तो ये स्टिक लेके आया था यहाँ पर, तो पहले दिन आया था तो स्टिक लेके आया था, लेकिन आज चौथा दिन है मेरा, तो 5वें दिन मैं ये स्टिक यहाँ पर डोनेट करके जाऊँगा, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में अकोला पुणे संचित। आपको क्या प्रॉब्लम थी? मेरे एवियन है मैडम, मुझे लेफ्ट जो है मेरा हिप जॉइंट वहाँ पर थर्ड स्टेज है और राइट में मेरा फर्स्ट स्टेज था, तो राइट का जो है आज की तारीख में मेरा 100% क्योर हो चुका है यहाँ पर, और जो लेफ्ट का है वो 90% कवर हुआ है। ये जो ZP के हमारे मेंबर है और महाराष्ट्र से जो मंत्री आए थे यहाँ पर, एकनाथराव खड़से और ये हमारे प्रमोद दादा खुदरे, इनकी प्रेरणा लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। जयपुर से। अच्छा, जयपुर से। हाँ मैम, अपने बारे में बताओ पहले तो, कि भाई आपको कहाँ दर्द होता था, कैसे? हाथों में दर्द रहता था, सुनपना रहता था, झंझन रहता था, यानी पेन भी नहीं उठा सकती थी, मेरा इतनी प्रॉब्लम थी। अब 7 दिन से मुझे बहुत रिलैक्स है, हाथों में बिल्कुल दर्द नहीं है, बस हल्का सा शोल्डर में दर्द है और बहुत अच्छा है अभी तक। तो देखें तो भाई, आपको पता है कि लेडीज़ों के कितने प्रॉब्लम होते हैं। एक तो सबसे बड़ी तो कमर की होती है, हाथों की होती है, पैरों की, सिर की, किसी भी चीज़ की, और सबसे ज़्यादा कमर की होती है। तो आप लेडीज़ों को कैसे समझाना चाहोगे कि भाई वो यहाँ आके क्या लाभ उठा सकती? मैं तो हर लेडीज़ को बोलूँगी कि लेडीज़ के साथ बहुत प्रॉब्लम रहती है, मेजर से मेजर दर्द भी यहाँ ठीक होता है, तो सब आइए, सब इसका लाभ उठाइए, बहुत अच्छा है। केमिकल हम मेडिसिन कब तक खा सकते हैं, उसकी एक लाइफ होती है, इसमें कोई मेडिसिन नहीं है, ओनली आपको फिजियोथेरेपी दी जाती है, ऑस्टियोपैथ दिया जाता है, तो ये बहुत अच्छी है लेडीज़ों के लिए, बच्चों के लिए, जिसके भी प्रॉब्लम है सबके लिए बहुत अच्छी। से जोधपुर से। अच्छा, जोधपुर से। जी हाँ। आप अपने बारे में अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करो यार। इसे जब भी आते हैं मेरे को प्रॉब्लम होती है, मैं यहीं पे आती हूँ, मेरे को यही सूट करता है। आपको प्रॉब्लम क्या है? कमर में। अच्छा। कमर में पेन रहता है, कभी घुटनों में होता है, कभी एंकर में दुखता है, तो मैं यहीं पे आती हूँ, मेरे को बेस्ट लगता है यहाँ पे आना, यहीं पे इलाज अच्छा होता है, मेरे को मेडिसिन वगैरह से तो कोई मतलब होता ही नहीं है। अभी आपने साथ में ही गोवर्धन जी पारा सर ही, जो देखा तो पूरे हॉस्पिटल की एक मैन जड़ ही। राम राम जी। राम राम। राम राम। थोड़ा सा अपने बारे में बता दो। मेरा नाम डॉक्टर गोवर्धन लाल पारा सर है, मैं डीओ ऑस्टियोपैथ हूँ। डीओ को मतलब है डॉक्टर ऑफ ऑस्टियोपैथ। देखा, भारत में मैं दो ही डॉक्टर आए, एक मैं हूँ और एक कर्जत में डॉक्टर मोदी है। तो ई विद्या को वैसे तो आप भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है, लेकिन लंबा टाइम से भारत से लुप्त होगी। ऑस्टियोपैथी को मानना है कि आपका बॉडी का सेल खुद रिजनरेट करे, और कई चीज़ें यान की है जिसके मायने वे सेल एक्टिव कर और कई बीमारियाँ स्वतः मिटा देवे। ABCD, ए सु अस्थमा, बी सु ब्लड प्रेशर, सी यू कैंसर, डी सु डायबिटीज। इसके अलावा हर बीमारी को इलाज ऑस्टियोपैथी में है, और कई स्टेट जिकी मैंने अवार्ड दिया, जैसे का गवर्नर, 17 गवर्नर को मैं पैनल डॉक्टर हूँ, और 4 प्रेसिडेंट को पैनल डॉक्टर हूँ, इंडिया, UAE, UK, US, ये 4 ही UK वालों जगह है, हमारा 37 कैंप हो गया खाली अमेरिका में। ये विद्या हूँ, आप भारत की विद्या है, जीव मैं इकता नहीं, मन लगार, ध्यान लगार, लोगों ने स्वीकार हूँ, अब धीरे 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 जान जान लोगों मायने जागृति आवे कि एक घर के मायने कोई एक दोस्त का स्लिप डिस हुई, वो ऑपरेशन कराया, तो भी ऑपरेशन का कई दुष्प्रभाव हो गया, पग सुन्ना हो गया, लेटरिंग पेशाब की ठा पड़नी बंद होगी, वे जिसको चाल तो फिर तो वो बंद हो गया, और एक दोस्त को परिवार जिको ऑस्टियोपैथी में इलाज लियो वो 100% ओके, तो बे जिका एक ठीक हुए, बे हजार जना जार के हुए करनी थे, मत कराओ ऑपरेशन, ऑस्टियोपैथी अपनाओ, बी के बाद में थे दूजो इलाज करो। और खास कर आपने किया एक खासियत है कि आपा लागत मात्र शुल्क ही कम शुल्क लेवा, 100 रुपया, 100 रुपया का मायने भी मरीज को पूरा ट्रीटमेंट हो जावे, कटे बिने लाखों रुपया खर्च करना पड़े और कटे 100 रुपया में ठीक हो जावे। यान की व्यवस्था बनैया जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने साथ जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इस चीज़ को फायदा हुए। तेल काम में लो, जो ऑयल काम में लो, वो कौन सा काम में लो? तेल की कारीगरी को नहीं है, इनमें खास अंगड़िया की कारीगरी है, थारी अंगड़ी की कारीगरी। हाँ, जो भी मतलब आम जादू है। मैं जिको मैन मैनिपुलेशन करना जिको सिखा डॉक्टर ने, जहाँ अब ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है,
तो वो ऑपरेशन करे, तो मैं भी डॉक्टर ने इस चीज़ को मैनिपुलेशन प्रोसेस सिखाऊँ, और यान को प्रोसेस है कि बॉडी को मायने किसी नर्व ने बंद करनी, किसी ने चल्लू करनी, और कौन सो मसल्स क्या ने एक्टिव करना। तो ऑस्टियोपैथी एक यान की विद्या है जिकी खाली हाथ को मैनिपुलेशन प्रोसेस ही किए जा सके, बीमें न तो कोई तरह को तेल काम आवे, न कोई तरह की दवा काम आवे, वो बॉडी में जान ज़्यादा देर कोई व्यक्ति बैठे एक जगह माते तो भी का फ्लूड कर बाहर निकल गयो, अब वो फ्लूड धीरे धीरे वापस मायने न डालना है, तो वो एक प्रोसेस है, बाहर निकलियो क्या जान नहीं पाचो मायने जाए बयान की बयान आपके बॉडी का नेचर का मायने जान देखो के आम हर ऋतु में को नहीं आवे, बिल्कुल कही जामफल हर ऋतु में को नहीं आवे, तो जी टाइम आम की ऋतु रहे बी टाइम आपके पेट को टेम्परेचर ठंडो रिया करे, और जामफल की ऋतु रहे जी टाइम मूली जामफल ए बी टाइम आपको पेट को टेम्परेचर गर्म रहे, जने ए गर्म चीज़ा ने पचाई जावा। अबार को युग यान को हो गया है क विदेशा का मायने तो ठंड गर्म की हो गुनी बारह मास ही फल आवे, तो बे ऋतु भाई जी का काम होना क सर्दी का मायने आम नहीं खानो चाहिए, बे आम लोग अब खावा लग गया ए पीवा लग गया, आम का जूस पीवा लग गया, तो वो शरीर में जार एक जगह उपदंश होवे, वो उपदंश आगे चालकर कैंसर को रूप लेवे, ईश्वर था के सपोर्ट के वास्ते यान का फल बनाया है, जान था को ब्रेन है तो ब्रेन है बयान का अखरोट बनाया है, जान था की आँखें है बयान की विदामा बनाई है, जान था को दिल है बयान की एप्पल बनाई है, जान था का लीवर है तो बयान को पपीतो बनाया है। तो ऑस्टियोपैथी को मानना है कि शरीर के अनुसार जान का फल है, जान की कि लीवर फेटी हो गया तो भी फेटी लीवर के वास्ते बिने कोई मेडिसिन लेबा की जरूरत को नहीं, बिने पाँच दिन पपीतो खा लेना चाहिए, तो वो पपीतो जी को है भी के वास्ते अमृत को काम करे, और पाँच दिन का मायना भी लीवर को फेटी गायब हो जावे और वो नॉर्मल कंडीशन का मायना आ जावे। और खासकर आप देखो पैंक्रियास जो को लौकी के जान को है, तो आज बाबा रामदेव खाली के डायबिटीज वाला तो लौकी खाओ, पर उसके पीछे जो मकसद ये है कि अपने शरीर को जो अंग है पैंक्रियास भी को रंग रूप भी की बनावट ईश्वर है जो लौकी के जान की करी है, जान की भी की पूछड़ी जेऊँ भी को जूस काम आवे, जो अगर दिन में एक बार अगर लौकी खा ले तो भी को कोलेस्ट्रोल लेवल कम रही, भी को आपका शुगर लेवल कम रही, तो यान की चीज़ें अगर देसी चीज़ों के साथ अपना आप इन्हें यूज करा तो काफ़ी यान की चीज़ें जीऊँ आप ठीक रह सको और लंबा टाइम तक आपको जीवन व्यापन कर सको। और कोई भी ऑयल वो चिकनास चाहिए था, चिकनास चाहिए बिक मायन ऑयल तो मैं कहीं करा भाई, अब कोई भी चीज़ नहीं लगावा के तो आज को जमाना यान को है तो की गोनी करियो या नहीं करियो 100 रुपये ले लिया बा बिकी भावना के वास्ते वो आप एक पेटेंट कर रखे हैं ऑयल जिको बिक मायने के बॉडी के मायने एब्जॉर्ब कर जावे और मायने जार जॉइंट में चिकनास पैदा कर देवे। जोधपुर के अंदर थारो के नाम हॉस्पिटल है, थोड़ो एड्रेस पतो बता दो ताकि लोग इजली अठियास की। अपने चौपासनी हाउसिंग बोर्ड 18E सेक्टर का मायने है, एक ट्रस्ट बनाई है श्री सावनलाल ऑस्टियोपैथ चैरिटेबल ट्रस्ट भी संस्था के द्वारा आप लोगों की सेवा करा, अटे पंचकर्मा को ट्रीटमेंट हुए, फिजियोथेरेपी को पूरा सेंटर है और ऑस्टियोपैथी को है, ऑस्टियोपैथी का तो सेंटर सब जगह मिल जाए, पर ये तीन चीज़ों को जो चार चीज़ों को कॉम्बिनेशन है, योग भी सुबह सुबह बैठे हुए और ऑस्टियोपैथी के अलावा पंचकर्मा है भी के अलावा फिजियोथेरेपी जी के जरूरत रहे भी के फिजियोथेरेपी करावा, तो बाकी इच्छा रहे कि जिको मरीज एटा आयो वो 100% पूर्ण तैयार ठीक हो जावे भी के एम सेम तरीका और भी कमा तो खर्चो भी नहीं पड़े, भाई 100 रुपया कमाने सारी चीज़ें कर। मैं तो आ चाहवा कि जिको एटा आयो है वो माँ के एक अतिथि है जोधपुर के ताई बिने मैं बीमारी ले रहा है और बिने खुश कर भेजा। अठा अपने राजस्थान का ही नहीं देश में हर एक कोना का, देश में हर एक कोना का लोग ही जावे और लोगों ने फायदों मिल रहे तो आप क्यों ना यह चीज़ दिखावा, तो मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी वीडियो जितनों से शेयर कर सको बत्तों शेयर करियो, मेरे लिए शेयर करना बा लोगों के लिए शेयर करना है जो दर्द ही आऊँ वह झुलस रही, और कमेंट में मन जरूर बताऊँगा और साथ साथ में चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लियो। जय हिंद जय राजस्थान।